यीशु की आराधना में आप सभी का स्वागत है। यह महाप्रतापी यीशु की आराधना है जिसका पृथ्वी पर और स्वर्ग में अधिकार है। यीशु ने कहा है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस समय इस आराधना में भाग लेने वालों, हम प्रभु से आग्रह करते हैं, यीशु आप हमारे साथ है तो कितना अच्छा लगता है। आप हमारे साथ है और अगर आप है तो उम्मीदें हैं, आप है तो सहारा है, आप है तो ज्योति है, आप है तो दिन जीने में अच्छा लगता है। अगर आप है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यदि आप है परिस्थितियां बदल जाती है, यदि आप है माहौल बदल जाता है, यदि आप है टूटेपन में भी सुधार आ जाता है, और यदि आप है तो शांति आ जाती है, और यदि आप है तो प्रभु सब कुछ है। हम आपका स्वागत करते हैं यीशु, मेरे दिल में, मेरे मन में और मेरे परिवार में, मेरे घर में और मेरे ज़िंदगी से जुड़े तमाम लोगों में यीशु आप आ जाइए। आपका मैं अपने हृदय में स्वागत करता हूँ यीशु। आ यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। Yeshu mere, Yeshu mere, Yeshu mere ya, tere bina bhooka main, tere bina pyaasa main, tere bina bhooka main, tere bina pyaasa main, Yeshu mere, Yeshu mere, Yeshu mere ya। प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में नहीं है तो हम दुर्बल एहसास करते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। यीशु हम ये जानते हैं कि हम बीमारी के लिए नहीं बनाए गए, हम टेंशन के लिए नहीं बनाए गए, हम चिंता और घबराहट के लिए नहीं बनाए गए, हम प्रभु जीवन में खालीपन के लिए नहीं बनाए गए, हम भरपूरी के लिए बनाए गए हैं, हम आपके लिए बनाए गए हैं। इसलिए प्रभु हम जानते हैं आपके बगैर हम तो बीमार हो जाएंगे, आपके बगैर हम तो कमजोर पड़ जाते हैं, आपके बगैर हमें खाली खाली एहसास होने लगता है। प्रभु तेरे बिना हम रोगी और तेरे बिना हम दुखी रह जाते हैं। Yeshu mere, Yeshu mere, Yeshu mere ya, Yeshu mere, Yeshu mere, Yeshu mere ya, tere bina bhooka, Yeshu mere, Yeshu mere, Yeshu mere ya, Yeshu mere, Yeshu mere, Yeshu mere
मेरी कमजोरियों में आना, मुझे चंगा करने आना, जीवन में सुधार लाने आना, और मेरे जीवन को बनाने तू आना, मेरे टूटे हालातों को सुधारने तू आना, मेरे खालीपन को भरने तू आना, मेरे बच्चों में आना, हमारे भाई बहनों में आना, पूरे खानदान में आ जाना, मेरे जीवन की समस्याओं में तू आ जाना, मेरे घबराहट में तू आ जाना। चिंताएं सताती है, घबराहट सताते हैं, बीमारियां परेशान करती हैं, दूसरे लोग अनाथ कर देते हैं, हमें अकेला कर देते हैं। यीशु तू आ जाना, एक बार आ जाना यीशु, बस यही दुआ है मेरी, यही प्रार्थना है मेरे जीवन में, आ जाना आराधना पूरे परिवार के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ, सारे हृदय से यीशु की आराधना, सारे मन से प्रभु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, ये अपार तेरी आराधना, बा 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 यारी 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 यारी, हे इब्राहिम के ईश्वर, हे सहा के ईश्वर, हे याकूब के ईश्वर, मूसा से बातें करने वाले ईश्वर, इब्राहिम से बातें करने वाले हे ईश्वर, तेरी आराधना मेरे ईश्वर, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस आराधना में भाग लेने वालों, परमेश्वर की संतानों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8, यीशु नाव पर सवार हुए और उनके शिष्य भी साथ में हो लिए। यीशु नाव पर सो रहे थे, अचानक आंधी उठी, आंधी की वजह से समुंदर की लहरें उठी, लहरों से शिष्य डर गए, परेशान होने लगे, क्योंकि लहरों की वजह से नाव ढकी जा रही थी, और वे डर गए अंदर से, और उन्होंने यीशु को जगाया और उन्होंने यीशु से कहा, यीशु उठ जाइए, यीशु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, माहौल कभी ऐसा बन जाता है, हमें लगता है हम डूब रहे हैं, हम हताश हो जाते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि यीशु हमें संभाल रहा है, यीशु हमारे साथ है, ये जानने के बावजूद भी हम अंदर से हिल जाते हैं और हम हताश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये मानवीय प्रवृत्ति है, जब दुर्घटनाएं घटती है, जीवन में बीमारी की आंधी चलती है, हम अंदर से हिल जाते हैं, यीशु के समक्ष हम अपनी घबराहट को रख देते हैं, ईश्वर के सामने हम अपनी असलियत को पेश करते हैं। आखिर हम बताएं तो भी किसको बताएं, हम अपना दुखड़ा सुनाएं तो कब इसको सुनाएं। जिस तरह शिष्यों ने अपनी चिंता और अपनी घबराहट यीशु के सामने प्रकट किया, उसी तरह हम भी कहें, यीशु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। सब लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बचाइए, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, अंदर से लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब बचाने वाला कोई नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। परिवार में जब बार बार बीमार कोई पड़ जाता है, एक के बाद घटनाएं घटती है, दुर्घटनाएं घटती है, अनहोनी घटनाएं घटती है, परिस्थितियां जब बेकार हो जाती है, प्रभु लगता है
कि मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। इसलिए प्रभु हम आपके पास आए हैं, प्रभु मैं किसके पास जाऊं, मुझे समझने वाला प्रभु यीशु बस तू ही तो है, मेरी मदद करने वाला बस तू ही तो है, और मुझे देखने वाला मुझे संभालने वाला बस तू ही तो है। तेरे पास ही तो सहारा है, तेरे पास ही तो मदद है, और तेरे पास ही तो चलने की राह है, और तेरे पास ही तो सब कुछ है। मेरे यीशु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ, मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14, यीशु को देखकर पेत्रुस ने एक बार कहा, यीशु आदेश दीजिए मैं भी पानी पर चलता हुआ आ जाऊं। यीशु ने कहा आ जाओ, और पेत्रुस पानी के ऊपर चलते हुए आगे बढ़े, लेकिन एक पल के लिए उसने प्रचंड वायु को देखा और वो डर गए, और वो पानी में डूबने लगा, और जब वो पानी में डूबने लगा उसने हाथ बढ़ाया और उसने यीशु से कहा, प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए। जब जीवन में हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी, हम कभी अंदर से हिल जाते हैं, टूट जाते हैं, मेरे भाई मेरी बहन उस समय भी यीशु की तरफ हाथ बढ़ाने में आप संदेह नहीं करना, हाथ बढ़ाना, यीशु से कहना मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया। एक पल प्रभु के सामने स्तुति करते हुए हालेलुया हालेलुया, शिष्यों की तरह प्रभु हमें भी कभी कभी लगने लगता है, बिजनेस में जब परेशानियां आती है, आर्थिक समस्याएं जब आते हैं, बीमारियां जब आती है, तो हमें लगने लगता है हम डूब रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हम करे तो भी क्या कर सकते हैं, हम आपके समक्ष आए हैं, हम सब कुछ समर्पित करते हैं यीशु, हम सब कुछ समर्पित करते हैं। प्रभु वचन के द्वारा हमें प्रकाशना मिली है, वचन के द्वारा हमें प्रेरणा प्राप्त हुई है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। इस समय मेरे भाई मेरी बहन, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन 3 में लिखा है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। ये वो ईश्वर है जिन्होंने कहा है तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, ये वो यीशु है जो तमाम बातों को जानते हैं, ये वही ईश्वर है जिनके द्वारा हमारे लिए ये सांत्वना है कि हमारे आंसुओं को भी उन्होंने बोतल में भर के रखा है, हमारे विपत्तियों का विवरण उनके पास है। मेरे भाई और मेरी बहन, एक शब्द हमारे मुंह से निकलने से पहले ही वो सब जानते हैं, वो तेरे अंदर बाहर को जानता है, वो तेरे अतीत और वर्तमान को जानता है, वो तेरे भविष्य को जानता है, तेरी
चिंता और तेरे घबराहट को जानता है, लेकिन वो यीशु आपसे ये कहना चाहते हैं, तुम क्यों डरते हो? उन्होंने शिष्यों से कहा, आंधी को डांटने के बाद यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम क्यों डरते हो? यीशु ने पेत्रू से कहा, तुमने क्यों संदेह किया? इस समय मेरे भाई और मेरी बहन परम प्रसाद में उपस्थित यीशु मसीह आपसे कहते हैं, क्यों डरते हो, क्यों संदेह करते हो? हम एक पल के लिए हाथों को जोड़कर उनके समक्ष सब कुछ समर्पित करें। समर्पण का ये समय हम बेकार ना करें। आप यदि बीमार हैं, अपनी बीमारी को समर्पित करें। यदि आप परेशान हैं किसी चीज़ की वजह से, आपकी परेशानी को समर्पित करें। यदि आप अपने बच्चों की वजह से चिंतित हैं, तो अपनी चिंताओं को समर्पित करें। आप यदि किसी वजह से घबरा रहे हैं, आपके घबराहट को समर्पित करें। आपका परिवार आपको लग रहा है टूट चुका है, तो आपके परिवार के टूटेपन को समर्पित करें। आपके घर का कोई बच्चा अगर कहीं दूर है, तो उनको भी समर्पित करें। पति अपनी पत्नी को समर्पित करें, पत्नी अपने पति को समर्पित करें, माँ बाप अपने बच्चों को समर्पित करें। यह समर्पण का समय है। यीशु के समक्ष समर्पित करें हम सब कुछ। समर्पण का ये समय समर्पण ही प्रभु यीशु, समर्पण ही प्रभु यीशु, मेरा पूरा जीवन समर्पित है। समर्पण ही प्रभु यीशु, समर्पण ही प्रभु यीशु, मेरी सारी चिंताएं समर्पित है। मेरी चिंता को, मेरे दर्दों को, मेरी चिंता को, मेरे दर्दों को तेरे पास लाया हुआ, तेरे पास लाया हुआ। समर्पण है प्रभु यीशु, बच्चों को, मेरे आंसू को समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को, मेरे आंसू को, मेरे बच्चों को, मेरे आंसू को तेरे समर्पण ही गाते जाएंगे। समर्पण, समर्पण ही जो कैंसर के बीमारी से पीड़ित है, इस समय अपनी बीमारी को समर्पित करें। जिनको स्किन एलर्जी से है, वो इस समय समर्पित करें। जिनको मानसिक पीड़ाएं हैं, वो इस समय समर्पित करें। जिनको स्पॉन्डलाइसिस की परेशानी है, जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, जिनको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, जिनको माइग्रेन की बीमारी है, पुराना सर दर्द है, छाती में पीड़ा है, आप डायबिटिक है, आपकी चिंता, आप इस समय आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, चाहे वो जितनी भी भयानक क्यों ना हो, समर्पित करना। इस समय यीशु के समक्ष समर्पित करना। गाते जाना, प्रार्थना करते जाना, समर्पण, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। हालेलुया, समय प्रभु के इस मंदिर में
प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के चंगा करने वाली उपस्थिति के समक्ष हम जसिंता और अल्बर्ट का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, मरियूस के लिए भी प्रार्थना, हेमा और हेमा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बीमारियां उनके जीवन से दूर हो जाएं। डायपोंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको लिवर से संबंधित परेशानी और बीमारियां हैं, विपिन जो किडनी की परेशानी है, किडनी की बीमारी से इस समय प्रभु परेशान है, उस बेटे के नाम को हम आपके सामने पेश करते हैं। सिल्वेस्टर को हम समर्पित करते हैं। प्रभु आपने किसी को भी बीमारी के लिए नहीं बनाया है, बल्कि आपने सबको आपकी महिमा के लिए बनाया है, लेकिन बीमारियों की वजह से जितनी भी संतानें प्रभु आपको महिमा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें उनकी बीमारी से छुटकारा देना। हम इस समय प्रार्थना करते हैं हाबिल के लिए, मानसिक परेशानियों से और टेंशन से और अन्य तमाम तकलीफों से बचा कर रखना प्रभु। अजित का नाम इस समय हम लेते हैं, साथ साथ अन्य सभी कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कैंसर के आत्मा को प्रभु आपके बच्चों से अलग कर देना। हम प्रार्थना करते हैं अरविंद के लिए, घुटनों में दर्द है प्रभु, शरीर के दर्दों से जूझ रहे हैं, सभी आपके बच्चों को प्रभु आप आशीष देना। हम समर्पित करते हैं, समर्पण समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु मोनिका के लिए, मन परिवर्तन, जिनको भी प्रभु मन परिवर्तन की ज़रूरत है, जिनमें भी जीवन में परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक पूरा परिवार पत्रस के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उस परिवार के साथ जुड़कर ये आश्रम प्रार्थना कर रहा है, आश्रम के सभी प्रभु लोग प्रार्थना करते हैं, ताकि वो बेटा जिनके लिए दुआएँ की जा रही है कि वो वापस घर आ जाए, वो वापस घर आ जाए प्रभु। परिवार के लिए बलशियुस प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके पूरे परिवार के लिए हमारे प्रार्थना है। शुभम इस समय प्रभु आपके सामने प्रार्थना करना चाहता है कि कर्जे का बोझ हट जाए, समर्पण है अब्बा, सबके सबकी प्रार्थनाओं को हम आपके समक्ष रखते हैं। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। आदित के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है प्रभु। ग्लोरिया के लिए और वंशी के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उनका भविष्य बुलंद हो जाए। इस दौर के लिए हमारी ये दुआ है प्रभु, वो तेरे प्रचार कार्य में जुड़ सके और सामर्थ्य प्राप्त कर सके प्रभु। थॉमस और मोनिका के साथ मिलकर हम आपके सामने दया मांगते हुए प्रार्थना करते हैं, समर्पण समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है। सब कुछ समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, समर्पण है प्रभु यीशु। प्राप्त सभी निवेदनों को समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लेने वालों को, उनके परिवार को, उनकी तमाम जरूरतों को प्रभु, आश्रम की ओर से हम आपके समक्ष समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। समर्पण है प्रभु यीशु, हमारे समर्पण को स्वीकार करें अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इस समर्पण को प्रभु हमारा चढ़ावा समझ कर स्वीकार करें प्रभु। हम बच्चों का ये समर्पण हमारी ओर से आपके सामने चढ़ावा है, इस चढ़ावे को स्वीकार करें अब्बा। हमारी मध्यस्थ प्रार्थनाओं का तिरस्कार ना करें अब्बा। जितने भी आपके पास आते हैं उनमें से एक का भी आप तिरस्कार नहीं करते हैं,
विश्वास के साथ प्रभु हम आपके पास आए हैं। जिस तरह भजन संहिता 65:3 में लिखा है, सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं, इसलिए सब आपके पास आए हैं प्रभु। अंधे आपके पास लाए जाते हैं, मुर्दे आपके पास लाए जाते हैं, कोढ़ी आपके पास आते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित आपके पास आती है, तमाम परेशानियों से पीड़ित सारे बच्चे आपके पास आते हैं, क्योंकि आप सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं अब्बा। इस समय दया करना अब्बा, सबके ऊपर दया करना। इस आराधना में जितने भी लोग जहां पर भी भाग ले रहे हैं, इस समय आप घुटने अगर टेक सकते हैं, घुटने टेककर प्रार्थना करना। प्रभु तरस खाता है। वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 9:36, यीशु ने लोगों को देखा और उनके ऊपर तरस हो आया, बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह वे थके मांदे थे। यीशु, इस समय आपकी उपस्थिति की आराधना और आपके सामर्थ्य की आराधना करने वाले आपके बच्चों के ऊपर दया करना, उन्हें तेरी दया की ज़रूरत है अब्बा। वचन कहता है, मिक्का का ग्रंथ 7:19, वो हम पर दया करेगा, उनकी दया कभी नहीं हारती, उनकी दया असंभव को संभव बना देती है, उनकी दया रोगी को चंगा कर देती है, उनकी दया टूटे और बिखरे माहौल को परिवर्तित कर देता है, उनकी दया। हम इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर दया करना, करुणा कर देना। करुणा कर दे प्रभु वे, हाँ प्रभु, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभु वे, हम पर करुणा कर दे। सब मिलकर प्रार्थना करे, दया प्रकट हुई। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित वो बहन चंगी हो गई, यीशु की दया प्रकट हो गई, अंधे देखने लगे, यीशु की दया प्रकट हो गई, चाहे उसके परिवार का माहौल बदल गया, यीशु की दया प्रकट हो गई, काना के परिवार की परिस्थिति बदल गई, यीशु की दया प्रकट हो गई, जबकि उसके घर में मुक्ति प्राप्त हो गई, यीशु की दया प्रकट हो गई, जो सुन नहीं पाते थे वे सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते थे वे बोलने लगे। प्रभु के सामने यही आग्रह करना कि हम पर करुणा कर देना एक बार। हाथ उठाकर इस समय स्तुति कर सकते हैं, स्तुति करते हुए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र हृदय में सबको समेट लेना प्रभु, हमारे निवेदनों को आपके पवित्र हृदय में हम समर्पित करते हैं यीशु, हमारे बीमार बच्चों को आपके छिते हृदय में हम समर्पित करते हैं यीशु। रबा बारी आ रही, 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 आ रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में जितने भी लोग इस समय आराधना में भाग ले रहे हैं, आप में जितने भी लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, इस समय अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जिनको जो वरदान प्राप्त है उन वरदानों का उपयोग करे और प्रार्थना करे, समय दूसरों के लिए भी प्रार्थना करे। यीशु के पवित्र क्रूस की शक्ति, यीशु के पवित्र क्रूस की शक्ति, यीशु नासरी के नाम अंधकार के सारी शक्तियों का, बीमारी के सारी शक्तियों का, कैंसर के सारी शक्तियों का हम तिरस्कार करते हैं। With the power of the ordination, sharing that power with the Father Joby, sharing the power of ordination with the Father Binu, sharing the power of ordination with the Father Paul, sharing the power of ordination with our province, all the priests in our province, sharing the power of ordination with all the priests in the Vincentian congregation, sharing the power of ordination with all the priests in the diocese, sharing the power of ordination with all the priests in the Catholic Church. I rebuke the evil spirits of sickness, darkness, unhealthy elements, and the deceptions of the devil be shattered. They be deliverance and healing. Anything that is tormenting your children, be taken away. Anything that is satanic, be taken away. Anything that is devilish, be taken away. Anything that is destructive, that is taken away. Anything that is not permitted by heaven, be taken away. There be healing, healing in your mighty name, Jesus. Da 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 da. Hallelujah. Hallelujah. वो पवित्र आत्मा उतरे, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, वो आदि शक्ति, वो पराशक्ति आपको छुए, वो सहायक आत्मा, वो सिखाने वाले आत्मा, वो समझाने वाले आत्मा, वो स्वर्ग का झरना, वो स्वर्ग का सागर इस समय आपके ऊपर बहता जाए। वो आंधी फिर से स्वर्ग की आपके ऊपर बहती जाए, वो स्वर्ग का तूफान फिर से आपके ऊपर बहता जाए, वो पवित्र आत्मा की छुआई इस समय आपके ऊपर उतरे, वो स्वर्ग की आग इस समय आपको छुए और आपको शुद्ध करे। इस समय प्रार्थना करें वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, उस पवित्र आत्मा से तड़पते तरसते हुए प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, हे पावन आत्मा मेरे जीवन में आइए। गाते हुए प्रार्थना करें आत्मा के लिए, जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। इस समय आपके परिवार के ऊपर आत्मा थे।
पवित्र आत्मा अधिकार ले। इस समय आप में से एक एक जो बीमार है उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छुआई मिले। इस समय आपको आत्मा की छुआई मिले, पवित्र आत्मा की वो अग्नि आपके ऊपर उतरे, वो पवित्र आत्मा का इस समय झरना आपके ऊपर बहे। स्तुति करते हुए समय आशीर्वाद ग्रहण करें। हालेलुया। वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7:14 सबको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। वचन कहता है ईश्वर का ना बदलने वाला वचन कहता है तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। इस समय हाथों को जोड़ कर यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें, उस यीशु का अधिकार स्वीकार करें, उस यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करें जिनका पृथ्वी पर और स्वर्ग में अधिकार है। हाथों को जोड़कर सिर झुकाकर यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करे। आपसे कहती है नहीं घबराना, नहीं डरना, नहीं घबराना, यीशु तेरे लिए द्वार खोलेगा। प्रभु की उपस्थिति को धन्यवाद दे। माँ की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दे। माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय श्री।